ये जो बाहर बच्चे खड़े हैं अपने देखो आगे, अपने नहीं है, अपने इतने ही हैं। चलो कल जो भी पढ़ा था किसी को कोई डाउट तो होगा नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेवन्थ क्लास के फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया था, सेकंड टॉपिक पे आते हैं। फर्स्ट टॉपिक में हमने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना था, पर्यावरण था और पर्यावरण में क्या होता है, पर्यावरण के टाइप पूछे थे, घटक क्या क्या होते हैं, मानव मानव निर्मित और हम प्राकृतिक पर्यावरण को पर्यावरण के घटक मानते हैं। ये पर्यावरण में हमने पढ़ लिया था। प्राकृतिक में हम देखें तो जलमंडल वायुमंडल, हाँ स्लो, अरे इसमें कल वाली बात बता रहे हैं, नया कुछ स्टार्ट ही नहीं किया, पहले सुनो तो सही, हम बोल क्या रहे हैं ना, कल वाली बात बोल रहे हैं सर। हमने बोला कि हमने कल पढ़ा क्या था, हम वो रिवाइज करा रहे थे, थोड़ा सा रिवाइज में हम बता रहे थे कि ये पढ़ लिया था। अच्छा 2x की स्पीड थी क्या, थोड़ा धीरे कर लेते हैं, 1.5x पे आ जाते हैं। चलिए कभी इसमें मार्कर में इंक डलेगी या नहीं, फटाफट से टॉपिक, सेकंड टॉपिक क्या है हमारा, हमारी पृथ्वी के अंदर, ठीक है। सेकंड टॉपिक क्या है हमारा, हमारी पृथ्वी के अंदर। अगर आप लोग थोड़ा शांति बनाए तो मैं बता दूं पीछे हमने क्या पढ़ा था, आगे लिंक करते हुए चलेंगे, ठीक है, बिल्कुल शांति। देखो इतनी बात मानती है, लाइट तक चली गई, उन्होंने सोचा पंखों से भी आवाज होती है थोड़ी, है ना। अब आप लोग नहीं मानते तो क्या करें। देखिए हम लोगों ने जो कल पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, पर्यावरण पढ़ा था। पर्यावरण के जो घटक थे वो हमारे पास थे मानव मानव निर्मित, और हम तीसरा पढ़ा था हमने प्राकृतिक पर्यावरण। मानव मानव निर्मित में आप लोग को पता है, प्राकृतिक पर्यावरण में हमने क्या पढ़ा, जलमंडल वायुमंडल, उसके बाद हमने पढ़ा स्थल मंडल, और उसको सबको मिला करके हमारा हो जाता है जैव मंडल। सारी चीज़ों को हमने अलग अलग समझ लिया था, आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉपिक क्या है हमारा आज, समझ।
पट्टी बोलते हैं। सबसे ऊपरी पार्ट जो सबसे पतला है उसको हम क्या बोलेंगे? Stop.
तनाव की मात्रा घटती है, ऊपर जाने पर घटती है और नीचे आने पर घटती है, मतलब ये पर्वत देख सकते हैं आप, पर्वतों पे जाते हैं हमारी ताप की मात्रा क्या हो जाती है, हो जाती है, सिंपल सी बात है। तो ये पृथ्वी के अंदर की बात हुई, इतनी बातें याद रहेंगी, ठीक है। मेंटल में अभी आपको याद नहीं रखना है सीमा, आपको सीमा कहाँ याद रखना है, महासागर में। महासागर का जो भूभाग है वो किसे बना है, सीमा से बना है, ये सेम टू सेम आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बात क्लियर हुई। तो ये है हमारी पृथ्वी के अंदर, ठीक है। हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या है हमने देखा, हमारी पृथ्वी के अंदर ये है। प्याज प्याज को याद रखना तो ठीक है, चलो ठीक है, आपके एनसीईआरटी ने दिया है आप याद रख सकते हैं, लेकिन आप तरबूज को याद रखें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूँ, अगर क्वेश्चन पूछ लूँ तो आई थिंक आप आंसर दे पाएंगे। अगर हम बोले कि पृथ्वी का सबसे अधिक आयतन कौन सा भूभाग घेरता है, पृथ्वी का सबसे अधिक आयतन ये कौन सी लेयर घेरती है, ये बता सकते हैं आप लोग, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत? कोई ये तो नहीं सोच रहा ये तो 2900 किलोमीटर है जबकि इसकी तो त्रिज्या ही 3500 किलोमीटर थी, ऐसा तो नहीं? देखिए अगर किसी को ऐसा लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर आ जाएं। मैंने मान लिया ये 3500 किलोमीटर क्या त्रिज्या वाला है तो ये 7000 क्या हो जाएगा, 7000 किलोमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई ये 7000 किलोमीटर डायमीटर का, ये एक गोला है, ये गोला है। अब कोई 2900 किलोमीटर अगर मान लेते हैं, इतनी 2900 किलोमीटर परत इस पर चढ़ाई जाएगी तो मेंटल का एरिया क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, मेंटल का एरिया क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद परपटी तो है ही सबसे छोटी, ठीक है ना, है ही 35 किलोमीटर, मतलब 35 किलोमीटर कितना सा होता है, 7000 का आप 35 किलोमीटर निकालेंगे कितना सा हो जाएगा, एक पॉइंट बनता है लगभग, ठीक है ना, तो एक पॉइंट के बराबर मानी जाती है। इधर साइडों में लिखा भी है पृथ्वी के आयतन का केवल एक प्रतिशत हिस्सा ही क्या है, परपटी है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो सकता है, क्लियर हुई बात, किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़े, ठीक है, आराम से चल रहे हैं, ठीक है बेटा। आज कुछ लोग आए नहीं, कहाँ है भाई पेपर, कुछ एडवाइस देने वाले लोग भी नहीं आए। शेल और खनिज की बात करेंगे हम बेटा, शेल और खनिज, तो शेल और खनिज क्या होते हैं, किसी को इसका अगर कुछ छापना था तो छाप ले, अदरवाइज आपके पास टेक्निकल डिवाइस हो गई है कितनी बड़ी, कुछ ऐसे होती है, ठीक, उससे आप फोटो ले सकते हैं घर में जाकर रिवीजन के लिए, हाँ। इसका यूज कर लिया करो कभी गलत का, शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए नहीं होती है खाली, कभी कभी अच्छे कामों के लिए भी यूज आ जाता है। जो पृथ्वी की परपटी है वो क्या है, क्या है, विभिन्न प्रकार के शैलों से मिलकर बनी है, खनिजों से मिलकर बनी है, और ये सारे खनिज किससे बनते हैं, शैलों से बनते हैं, ठीक है, समझ आ रही है। जो परपटी है पृथ्वी की परपटी वो किससे बनी है, अनेक प्रकार के खनिजों से बनी है, और ये खनिज किससे बनते हैं, हमारे शैलों से बनते हैं। अब शैलों की अगर हम बात करें तो शैल कितने प्रकार के होते हैं तो हम अलग अलग प्रकार में देख लेंगे। सबसे पहला हमारे पास आता है इग्नियस, ठीक है, अंग्रेजी वाले देख लेना भाई। दूसरा है हमारे पास अपसादी, और तीसरा हमारे पास क्या है, कायानुवृत्त, कायांतरित, जिसकी काया ही परिवर्तित हो जाए, लाइक वो वाला होता है कायांतरित, ठीक है ना। इनका इंग्लिश अनुवाद आप लोग देख लेंगे, इग्नियस होता है सेडिमेंटरी होता है, और दूसरा तीसरा क्या होता है,
मेटामॉर्फिक ठीक है, इन्हीं से ही हम इसका मीनिंग निकालते हैं। इग्नियस मतलब होता है आग, इग्नियस मतलब क्या होगा आग। अब जो हमारा अपसादी होता है इसको हम क्या बोलते हैं सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री का मतलब होता है स्थित, सेडिमेंट्री का मतलब क्या होता है स्थित। इसका मतलब होता है मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक का मतलब होता है परिवर्तन करना, मेटामॉर्फिक का मतलब क्या होता है परिवर्तन करना। इसके ही तरीके से हम देखेंगे, पहले हम देखते हैं अग्निशैल, अग्निशैल होती क्या है। जैसे कि समझ में आ रहा है आप वर्ड को अगर तोड़ेंगे, अग्नि मतलब अग्नि, अग्नि मतलब अग्नि, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है भाई आग है, लावा है, ठीक है ना। आग हाँ, लावा बाहर आने के बाद होता है मैग्मा है, ठीक है ना, क्या है मैग्मा है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में अगर हम बात करें तो एक तरीके से आग की ही कल्पना आप कर सकते हैं कि आग जो है द्रव रूप में है। आग कैसी है, द्रव रूप में है, लाल पदार्थ जो द्रव रूप में है जिसको हम मैग्मा बोलते हैं, और अचानक से पृथ्वी के ऊपर आ जाता है तो उसको हम लावा बोलते हैं, और धीरे धीरे वो जब जम जाता है उसके बाद हम उसको एक लावा चट्टान बोलते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं अग्निशैल बोलते हैं। लावा चट्टान बोलेंगे लेकिन अग्निशैल बोलेंगे। तो अग्निशैल को हम देखते हैं ये दो तरीके की होती है, कितने टाइप की होंगी, एक होती है बाह्यवेदिक और एक होती है अंतर्वेदिक। यहाँ पे जितने कलर्स के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं आई थिंक कहीं नहीं हो रहे होंगे, है ना। बाह्यवेदिक और दूसरा एक होता है अंतर्वेदिक, अंतर्वेदी है, अंतःवेदी है, अंतर्वेदी, ठीक है। अंत बाह्यवेदी, जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा बाह्यवेदी का मतलब क्या होता है, बाहर भेदने वाला। बाह्यवेदी का मतलब क्या होता है, सही स्थान में बिल्कुल, बाह्यवेदी का मतलब होता है बाहर भेदने वाला, और अंतर्वेदी का मतलब होता है अंतर भेदने वाला। अब आप ध्यान से समझ लीजिए, दोनों को बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। जिसको लग रहा है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करें। देखिए बाह्यवेदी जब हमारा क्या हो रहा है भाई, लाल मैग्मा जो पिघला हुआ मैग्मा है वो क्या हो रहा है पृथ्वी के बाहर आ जा रहा है, पृथ्वी के बाहर आके लावा के रूप में, और वो आग बाहर पृथ्वी की भूपरपट्टी पे, अगर हम बात करें पृथ्वी की भूपरपट्टी पे आकर के जम जाता है, और ये जब बाहर आकर जमता है तो बहुत तेजी से जमता है। तेजी से जमने के कारण ये महीन कणों में जमता है, ठीक है। कैसे जमेगा, महीन कणों में। बाहर जमेगा तो बाह्यवेदी, बाहर जमेगा तो बाह्यवेदी। अब ये अंदर ही कई बार ऐसा होता है पृथ्वी के अंदर ही ये जब मैग्मा बाहर आ रहा था तो कुछ ऐसे पृथ्वी में हमें बीच बीच में दरारें दिख जाती हैं, बीच बीच में क्या होता है दरारें दिख जाती हैं। अब ये द्रव है, जहाँ भी दरार दिखेगी कहाँ क्या होगा उसमें चला जाएगा। जब दरारों में ये चला जाता है तो अंदर अंदर ये बहुत टाइम के बाद ठंडा होता है, क्या होता है बहुत टाइम के बाद ठंडा होता है, और टाइम के बाद ठंडा होता है तो ये बड़े बड़े मतलब पत्थरों में क्या हो जाता है जमता है। तो इस तरीके से हम इसको अंदर जब जमेगा तो हम क्या बोलेंगे अंतर्वेदी, ठीक है। बाहर आके जब जमेगा तो क्या बोलेंगे बाह्यवेदी। अंतर्वेदी की जो मतलब चट्टानें होती हैं उन्हें हमें स्लेट बोलते हैं, क्या बोलेंगे स्लेट। बाह्यवेदी कौन सा बेसाल्ट चट्टाने बनती हैं, कौन सी बनेंगी, दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप सभी लोग जानते हैं, दक्कन ट्रैप को तो जानते ही होंगे, लोकेशन बताएंगे कोई। महानदी और गोदावरी के बीच की बात अगर हम करें तो दक्कन ट्रैप है हमारा, ठीक है ना। महानदी और गोदावरी के बीच की अगर हम बात करते हैं तो दक्कन ट्रैप है। तो दक्कन ट्रैप की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसाल्ट चट्टानों से बना है, कौन सी चट्टानों से बना है बेसाल्ट चट्टानों से बना है। और जब बेसाल्ट चट्टानें टूट फूट जाती हैं इनका क्या हो जाता है अपरदन हो जाता है। किसी वजह से इनका अपरदन हो रहा है, अधिक वर्षा के कारण या अधिक वायु के कारण, पवन ने तेज चल रही है तो अपरदन हो रहा है। इससे जो बनती है बालू वो मिट्टी कौन सी होती है, काली मिट्टी होती है। कौन सी मिट्टी होगी, काली मिट्टी। इन्हीं काली मिट्टी में हम कौन सी खेती कर पाते हैं, कपास की खेती कर पाते हैं। काली मिट्टी में कौन सी खेती होती है, कपास की खेती होती है। तो सभी को पता चल गया, देखो हर एक प्रकृति का नियम है, स्टार्टिंग से देखते चले आ रहे हैं सभी लोग। जो काला होता है वो कुछ गोरा देता है, जो गोला गोरा होता है वो हमेशा अंदर से काला ही होता है। तो कालों को कभी खराब ना समझें, गोरों को कभी अच्छा ना समझें, ठीक है। गोरे आए थे हमारे यहाँ पे, क्या करके गए आप सबको पता है, ठीक है। तो एक चीज़ हम समझ सकते हैं, काली मिट्टी में क्या उग रहा है, कपास उग रही है। कितनी ज़्यादा मतलब अगर हम बात करें तो कितनी ज़्यादा सुंदर होती है कपास, वाइट होती है एकदम। तो ये प्रकृति का नियम है जो हमेशा से चलता आ रहा है, ठीक। बहुत सारी चीज़ें आप ऐसे देखेंगे। तो ये दो चीज़ें आप लोगों ने देखी, अंतर्वेदी और बाह्यवेदी। अंतर्वेदी में हम ग्रेनाइट जो पत्थर होता है ना, ग्रेनाइट का वो अंतर्वेदी से निकलता है। ग्रेनाइट का जो पत्थर होता है वो किससे निकलता है, अंतर्वेदी से निकलता है, ठीक है। बाह्यवेदी क्या हो जाता है भाई, आप सबको समझ में आ गया, जो बेसाल्ट चट्टानें बनती हैं वो बाह्यवेदी से बनती हैं। उसके बाद बात करते हैं हम, दूसरी बात करते हैं हम, यहाँ पे हमारे पास अपसादी चट्टानें, अपसादी चट्टानें। ये अपसादी चट्टानें किससे बनती हैं,
बनती है? अब सारी चट्टानें किससे बनती है? कोई भी पहले की बनी चट्टानें या फिर हम बात कर सकते हैं अपनी चट्टानें या फिर सायंत्रिक चट्टानें या सारी चट्टानें कुछ भी हो सकती हैं। इन्हीं में जब वायु बहुत अधिक वायु पानी ठीक है पानी मतलब वर्षा की बात करेंगे ठीक है हिमनद वगैरह से जो भी अपक्षय हो जाता है इन शैलों का क्या हो जाता है अपक्षय हो जाता है। इससे अपक्षय होने के बाद ये पवनों द्वारा या पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर निक्षेपित कर दी जाती हैं और एक ही जगह पर निक्षेपण के कारण जब इन पर अधिक दाब लगता है और कठोर होने के बाद ये किसमें बदल जाती हैं अपसादी चट्टानों में अपसादी शैलों में बदल जाती है। किसमें जब बदलेंगी अपसादी शैलों में। जैसे कि अगर आप रेत की बात करें तो रेत की कण को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर आप इकट्ठा करते जाएं तो धीरे धीरे उन पर क्या होगा नीचे वाले रेत के कण थे आपने उतने ही ऊपर डाल दिए उसको ऊपर डाल दिए दबाव बढ़ता जाएगा। दबाव क्या होगा बढ़ता जाएगा। एक टाइम आएगा कि दबाव बढ़ने के कारण और वो कठोर होने के कारण जो रेत के कण हैं वो किसमें बदल जाते हैं बलुआ पत्थर में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं बलुआ पत्थर में बदल जाते हैं। और ये बलुआ पत्थर की जो हमारी चट्टानें बड़ी बड़ी दिखती हैं वो कौन सी चट्टानें बदलती हैं अपसादी शैल कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी अपसादी शैल कहलाएंगी। अब आ जाइए अपसादी शैल से आप आ जाइए सायंत्रिक। तो जो अग्नि शैल और अपसादी शैल हैं जो अग्नि शैल और अपसादी शैल हैं इसमें उच्च ताप और उच्च दाब के कारण ये किसमें बदल जाती हैं कायांत्रित में बदल जाती हैं। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सिक्स क्लास पढ़ाते हैं दिया था मैंने कहा था कि आप लोग अगर समझ गए तो बहुत ही अच्छी बात है जो आपकी सेवन्थ क्लास के एनसीईआरटी ने समझाने की बात भी की है। बात क्या की है हमेशा कहा जाता है जितना लोहे को तपाओगे वो उतना ही निखरता है ना। शायद एक सॉन्ग भी आया था वो बहुत अच्छा लगता है मुझे मैं हमेशा सुन लेती हूँ ठीक है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं ना उसमें ये सारी बातें कही गई हैं। जरा ध्यान से सुनना आप लोग कि बात हो क्या रही है। यहाँ पे बोल रहा है ये कि अग्नि चट्टाने जो अग्नि शैल है और अपसादी शैल है इस पर उच्च दाब और उच्च ताप अगर हम डालते हैं तो ये किसमें बदल जाती है कायांत्रित में बदल जाती है। कायांत्रित में कैसे बदलती है जैसे कि हमने बोला कि चूना पत्थर काय में बदल जाता है कायांत्रित में जब बदलता है तो वो क्या बनता है संगमरमर बनता है। तो उच्च ताप और उच्च दाब तो जरूरत है प्रकृति का नियम है। आज आपके ऊपर जितना उच्च ताप और दाब पड़ेगा उतना ही आप क्या होंगे निखर जाएंगे ठीक है। तो यही कहते हैं हम लोग कोयले को उच्च ताप और उच्च दाब दिया जाता है तो वो किसमें हीरे में बदल जाता है। तो जिसको हीरा बनना है तो कुछ ताप और दाब तो झेलना ही पड़ेगा नहीं झेलेंगे तो कोयला कोयला ही रहेगा। कोयला काला है चट्टानों ने पाला है ना तो वो हमेशा वैसा ही रहेगा ठीक है। और बात करें अगर चूना बुझे हुए चूने की तो वो हमेशा बुझता ही रहेगा। अगर आप उच्च दाब और उच्च ताप नहीं डालेंगे तो वो कभी भी संगमरमर में नहीं बदलेगा। बात समझ में आ रही है खुद की लाइफ पे भी थोड़ा सा देख पा रहे हो क्या हो रहा है जब भी किसी ने हाँ मानव निर्मित नहीं अरे कुछ कौन डालता है हम बात कर रहे हैं उच्च ताप और दाब की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर जैसे कि चट्टानों में कोयला मिलता है चट्टानों में तो बहुत ही गहराई में मिलता है। कोयला कहाँ मिलता है बहुत ही गहराई में मिलता है। कहा जाता है कुछ चट्टानों को तो हम आज तक उनका खनन भी नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कि गहराई ज़्यादा है तो हम जैसे लोग पिघल जाएंगे तो खनन करने कौन जाएगा है ना। तो कहने का मतलब जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाते हैं ताप भी अधिक है दाब भी अधिक है। और ये जो कायांत्रिक चट्टानें हैं ये काया इनकी काया बदलती कहाँ है आंतरिक जितनी अंदर जाएंगे उनकी काया बदल रही है दिन ब दिन की काया बदलती जा रही है। तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है हम तो सिर्फ थोड़ा बहुत ताप और दाब की बात करते हैं जो हम ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहे हैं दिन ब दिन। अदरवाइज तो सारे के सारे प्रकृति खुद कर रही है सारे प्रकृति के नियम हैं हम लोग तो कुछ नहीं कर पा रहे हम थोड़ा थोड़ा कर पा रहे हैं जैसे कि जनसंख्या वृद्धि कर रहे हैं इसके साथ साथ हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है ठीक है ये थोड़े थोड़े काम कर पा रहे हैं हम लोग। उसके अलावा आप समझ रहे हैं सारा का सारा किसका काम है प्रकृति का काम है। तो कायांत्रिक चट्टानें आप समझ में आ गए आपको ठीक इनकी काया ही बदल जाती है। काया बदल जाना किसी की काया ही बदल जाना बताइए आप खुद ही बताइए कोई ऐसे ही बस 10-12 में 2-4 बार फेल हुआ था उसको थोड़ा आपने कहा कि ऐसे ऐसे करके मेहनत कर लो उसने आप पे भरोसा कर लिया कि हाँ ठीक है ये बोल रहे हैं तो शायद सही होगा मेरी लाइफ में कुछ आप पे भरोसा करके आप खुद नहीं कर रहे थे आपने उसको कर बोल दिया कि ये करना है और आप कुछ बन जाओगे वो करता गया और आप वही वो आईएएस ऑफिसर बन गया। तो क्या था भाई वो ऐसे ही घूम रहा था आपने उसकी काया ही बदल दी समझ पा रहे हैं क्या हुआ आपने उसकी काया ही बदल दी। तो कायांत्रित का मतलब होता है जिसकी काया जिसकी आत्मा ही बदल जाए ठीक है ना भाई। तो ये होती है अपना काया परिवर्तन। अब हम बात करते हैं शैलों का उपयोग क्या है हमारी लाइफ में। तो
शैलों का उपयोग होता है, जो भी छोटे छोटे हम अपसाद देख पाते हैं उनका यूज हम खेलों में करते हैं। कई सारे खेलों के नाम यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे कि बचपन में आप लोग वो लंगड़ी खेलते थे, लोग एक पत्थर लेते थे उसमें। आजकल तो फिर नॉर्मल हो गया है, वो क्या बोलते हैं घर में जो मतलब टाइल्स लगी होती है वो नॉर्मल हो गया है। पहले उस तरीके की गिट्टी मिल जाती थी तो लोग उठा के छुपा के घर वालों से रखते थे कि हमारी क्या है, कुछ बोलते थे उसको सिप्पी है, लेकिन कुछ ऐसा बोलते है ना, ये हमारी सिप्पी है हम इसे खेलेंगे। तो लंगड़ी का मतलब अब जाके समझ में आया कि लंगड़ी क्यों बोलते थे उसे, लंगड़ी क्यों बोलते थे, एक पैर पे खड़े होते थे, तो दैट मीन्स जब एक पैर पे खड़े होते तो लंगड़ा हो जाता है इंसान, तो उसको लंगड़ी बोलते थे, तब नहीं समझ में आता था है ना। लड़कियां स्पेशली कुछ चार पांच पत्थरों का यूज करके कुछ खेलती थी, उनको हम बिस्कुट्टा बोलते थे, ये बिस्कुट्टा आई थिंक, आई डोंट नो दैट, ठीक है। तो वो सब का यूज हम, ये शैलो का यूज है जो हम कर रहे हैं। तुम अभी भी खेलते हो क्या? ऐसे काम करते हो भाई, सुनो अभी। तो ये जो बिस्कुटा था इसमें भाई पहले कुछ पक्का होता था, फिर दुइयां होती थी है ना, फिर दुइयां होती थी, फिर इक्कड़ इक्कड़ करके याद होती थी। तो ये सारी चीजें हम जो भी खेल के लिए यूज कर रहे हैं तो ये सब क्या होती थी, शैल होते थे। शैलों का बहुत सारा उपयोग है हमारी लाइफ में। कायांत्रित अगर हम शैलों की बात करते हैं तो इससे हम खनिजों की खनन भी करते हैं, ठीक है। कायांत्रित शैलों से हम खनिजों का खनन भी करते हैं। दक्कन ट्रैप या छोटा नागपुर का पठार किससे बना है? छोटा नागपुर का पठार किससे बना है? छोटा नागपुर का पठार कौन से चट्टानों से बना है? अभी हमने दक्कन ट्रैप की बात की थी, कैसा छोटा नागपुर पूछ रहे हैं अभी हम। ऐसे आंखें बंद करके ना अब बोलते हैं कि हाँ ये छोटा नागपुर के पठार में जो हम बहुत सारे खनिजों का क्या कर पाते हैं, खनन कर पाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कोयले का जो सेकंड श्रेणी का कोयला होता है, सेकंड द्वितीय श्रेणी का कोयला जिसको हम क्या बोलते हैं, बिटुमिनस प्रकार का कोयला, वो इंडिया का सबसे अधिक कोयला कहाँ से निकाल, 98% इंडिया का 98% हम कहाँ से निकाल पाते हैं, छोटा नागपुर पठार से निकाल पाते हैं। बात समझ रहे हैं, कहाँ से, छोटा नागपुर पठार से। तो ये सब शैले ही तो हैं जो हमारी लाइफ में किस तरीके से उपयोगी हैं, देख पा रहे हैं। अब 2 मिनट के लिए जरा शांत हो जाओ, रुकें जरा सा। जो भी पढ़ाया वो क्या था, बस एक बार में सुनना, ठीक है, उसी को उसी तरीके से आप नोट किया करो। कॉपी में जो लास्ट में बोल रहे हैं बस उसको एक पॉइंट वाइज नोट कर लिया, घर पे जाकर के थोड़ा सा करने की कोशिश की। देखिए क्या था, हमने पढ़ा हमारी पृथ्वी के अंदर, उसमें क्या था, ऊपरी पटपटी था, उसके बाद हमने बात की व्हाइट वाले भाग की, व्हाइट वाले भाग की जिसको हम मेंटल बोल रहे थे, अंदर हमारा क्रूड था। ऊपर वाला भाग क्या था, 35 किलोमीटर था, बीच वाला भाग हमारा 3500 किलोमीटर था, क्रूड का त्रिज्या की बात की थी जो हमारा बीच वाला भाग हमारा 2900 किलोमीटर था, लास्ट में हमने क्रूड की बात की थी और क्रूड की त्रिज्या कितनी थी, 3500 किलोमीटर थी। अब हम बात करें अगर परपटी में दो तरीके की चीज़ें होती हैं, एक तो हमारा क्या था महाद्वीप, दूसरे हमारे थे महासागर। दोनों भूभाग की अगर हम बात करें तो महाद्वीप की जो मोटाई है वो हमारी 3500 किलोमीटर थी, उसके बाद अगर हम महासागर की मोटाई की बात करें तो हमारी कितनी थी, 5 किलोमीटर थी, 5 किलोमीटर। महाद्वीप की अगर हम बात करें किससे बना है तो सीमा। महासागर किससे बना है, सियाल और सीमा। उल्टा तुमसे पहले समझ में आ गया था लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो ये जानना चाह रहे थे। तो भाई हम महाद्वीप की बात कर रहे हैं तो हमारा किससे बना है, सियाल, और अगर हम महासागर की बात करें तो किससे बना है, सीमा। मेंटल की इसने किसी तरीके से कोई बात नहीं की है। क्रोड में आ जाते हैं, क्रोड किससे बना है भाई, निफे। क्रेड किससे बना है, निफे। उसके बाद इन्होंने बोला है क्रोड का आंतरिक भाग जो हमारा केंद्रीय है, केंद्र बिंदु है, वहाँ पे सबसे अधिक ताप और सबसे अधिक दाब होगा। ये इन्होंने बात कंप्लीट कर दी और यही थी हमारा पृथ्वी के अंदर की बात। पृथ्वी के अंदर की बात तो हम सबने जान लिया, थोड़ा बाहर आ जाएं। बाहर की बात की है इन्होंने शैलों की। शैल कितने प्रकार के थे, अग्नेय शैल, ठीक है, दूसरे हमने अपसादी शैल और तीसरे हमने कायांत्र शैल। कायांत्र शैल हमने बात की अग्नेय शैल की। अग्नेय शैल क्या होते हैं, आग से बने हुए हैं। जैसे कि आग क्या है, द्रव के रूप में है और इसको जम जाने के बाद हमने क्या बोल दिया है, अग्नेय शैल बोल दिया है। बात क्लियर हुई। अग्नेय शैल दो प्रकार के होते हैं, अंतर्भेदी मतलब अंतर भेदने वाले, बाहरभेदी मतलब बाहर भेदने वाले। अंतर्भेदी क्या थे भाई, अंतर्भेदी थे जो हमारा पृथ्वी के अंदर मैग्मा है, गर्म मैग्मा, उबलता हुआ मैग्मा, जब वो बाहर पृथ्वी
महात्मा के रूप में ठंडा होता है, इसे हम अंतर्वेदी बोलते हैं। बाहर आने के बाद ये महात्मा जब बाहर आता है पृथ्वी के बाहर आता है परपटी पे, और परपटी पे आने के बाद ये जब ठंडा होता है लावा कहलाता है, और ये लावा कहलाने के बाद ये कौन सा शैल बन जाता है? बाहिर्वेदी। बाहिर्वेदी बात करते हैं अब शादी इन्हीं मतलब शैलों के टूटने फूटने के कारण हवा मिट्टी, या फिर हम बात करें हवा, उसके बाद हम बात करें जल, उसके बाद हम बात करें नदियाँ, ये एक जगह से इनको दूसरी जगह ले जाकर निक्षेपित कर देती हैं, और निक्षेपण होने के बाद सीधे सीधे इसमें दाब लगना शुरू हो जाता है, और ये अधिक कठोर होने के बाद क्या बन जाते हैं? अपसादी। और अपसादी और हम बात करें अगर क्या अग्नि दोनों के निक्षेपण के कारण किस अपक्षय के कारण, किसके कारण? अपक्षय के कारण। अपक्षय मतलब होता है शैलों का टूटना, अपक्षय मतलब होता है शैलों का टूटना। अपक्षय के कारण ये क्या बन जाते हैं? अपक्षय के कारण इधर आकर के मतलब सॉरी अपक्षय को देखो, हम बात कर रहे थे अग्नि अग्नि और अपसादी। अग्नि और अपसादी पर अधिक दाब और अधिक ताप जब पड़ जाता है तो ये बन जाते हैं काया, इनकी काया बन गई। बात क्लियर हुई? कंप्लीट? कोई दिक्कत तो नहीं? यही हमने पढ़ा। उसके बाद हम देखते हैं इनका एक चक्र, एक चक्र देख लेते हैं। यही देखते हैं शैल है, इनमें ही जीवाश्म क्यों मिलते हैं?
चट्टानें होती हैं इनमें हमें क्या मिलता है, जीवाश्म मिलते हैं। जो चट्टानें बनेंगी इसमें हमें जीवाश्म मिलेंगे। बात क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो हम लोग कल कर लेंगे। कोशिश करते हैं आज दो चैप्टर कंप्लीट कर लें, ठीक है ना। आ जाइए नेक्स्ट चैप्टर पर, हमारी बदलती पृथ्वी पर आ जाइए। करेंगे
जो पृथ्वी की गतियां है ना, पृथ्वी की गतियां, ये इनके द्वारा जो बाहर से और अंदर से लगाए गए बल हैं उन पर आधारित होती हैं। पृथ्वी की गतियां किस पर आधारित हैं? जो पृथ्वी गतियां कर रही है, जो महाद्वीप गतियां कर रहे हैं, जो महीन महीन घूम रहे हैं, ये किस पर आधारित होते हैं? इनके इन पर लगाए गए बल पर आधारित होते हैं। बल कौन कौन से हैं? एक तो हमारा अंदर बल लगता है और एक बाहर बल लगता है। क्या क्या बोलते हैं? हाँ, इंडो और एक्सो। एक्सो का मतलब बाहर हो गया, इंडो का मतलब अंदर हो गया। सिंपल सी बात हो गई। वैसे हम बोलते हैं अंतर्जनित बल और बाहर जनित बल। अंतर्जनित बल और बाहर जनित बल। आप लोग समझ पा रहे होंगे अभी हमने बात की थी पीछे, बल हमने बात की थी अंतर्भेदी और बाहर भेदी। भेदने की बात होगी तो क्या होगा? क्षय होगी। बल की बात होगी, अंतर्जनित की बात होगी तो किसकी बात होगी? बल की बात होगी। इतनी बात तो समझ में आ जाएगी। ठीक, लिख दे। तुम लोग क्यों इतनी बातें?
आपस में पास आ रही है और जो भी भारी है, मुझे थोड़ा ये भारी लग रहा है इधर वाले हाथ में, ये भारी है। चलो आप लकड़ी वाले को भारी मान सकते हो, ये लकड़ी वाला है ये भारी होगा, ये प्लास्टिक ये तो तैर जाएगा पानी में, ठीक है। तो आप देखते हैं जब भी हमारी कोई भारी चीज हल्की चीज से टकराती है तो हल्की वाली ऊपर उछल जाती है और भारी वाली नीचे चली जाती है। तो कुछ इस तरीके से संरचना बनती है और इस तरीके से जो संरचना बनती है, ये जो चीज है ये नीचे जा रही है इसके, तो इस वाले का क्या कर रही होगी, अक्षय कर रही होगी। इस वाले का क्या करेगी, अक्षय करेगी, नीचे जाएगी तो इसको यहाँ से तोड़ती जाएगी ना, तो यहाँ पे जो अवसाद इकट्ठे होते जाते हैं इसी से यहाँ पे पर्वतों का निर्माण होता है। बात समझ रहे हैं, इसी से किसका निर्माण होता है, पर्वतों का निर्माण होता है। तालाब में आपने देखा हो
छोटी को गिनने दिया ना, हमने गिरे, हम गिरे ऊपर वाला, हाँ दोबारा ना गिरा देंगे तो। लेकिन हाँ मतलब फिसले नहीं, बहुत ज़्यादा फिसले नहीं। तो क्या कर सकते हैं, जैसे कि पानी की लहरें क्या होती हैं, लास्ट तक ऐसे खत्म होती जाती हैं, ऐसे ही अधिक केंद्र में क्या होता है, सबसे अधिक झटके होते हैं, दूर तक जाते जाते ये खत्म होते जाते हैं। तो कई बार हम लोग देखते हैं, लोग कहते हैं कि भूकंप आया था तुम्हें पता नहीं चला, उनको कहीं ना कहीं फील हो जाता है, हो सकता है वो ग्लास में पानी पी रहे हो, उन्होंने टेबल पर रखा हो, ग्लास हिलने लग गया, उन्हें पता चल गया हो, हमें नहीं पता चल पाया। तो वो क्या है, बहुत दूर की वजह से, बहुत दूर हो गया है इसलिए हमें नहीं पता चलता है। तो ये था भूकंप। भूकंप कैसे आता है, प्लेटों के आपस में रगड़ खाने की वजह से क्या आते हैं, भूकंप आने। ठीक है, बात समझ में आ गई। ज्वालामुखी कैसे आते हैं अगर ये बताएं हम आपको, तो वही सेम चीज़ है, जो दोनों प्लेटें हैं आपस में टकराती हैं, टकराने की वजह से पृथ्वी की भूपरपट्टी तक एक क्या बन जाता है, दरार बन जाती है। जब कोई बहुत बड़ी चीज़ टकराएगी तो दरार बनेगी, उसी दरार से जो मैग्मा, पिघला हुआ मैग्मा था, वो क्या होता है, बाहर आना शुरू कर देता है। अब वो बाहर आता है, अगर वो बहुत ही हाई प्रेशर के साथ आ रहा है तो हमारी परपट्टी तक आ जाता है, हाई प्रेशर के साथ नहीं आता तो अंदर ही अंदर जम जाता है, वो अंतर्जनित क्या हो जाते हैं भाई, अंतर्भेदी वाली शैलें बन जाती हैं, बाहर आ जाता है तो बाहरभेदी शैलें बन जाती है। बहुत ही सिंपल, एक एक पॉइंट को उठाओ वो लेते चलो, बात क्लियर हो पा रही, ठीक है, नहीं हो रही है तो भी कोई दिक्कत, आगे बढ़ते। अब अगर हम बात करें भूकंपीय तरंगों की, तो ये तीन प्रकार की होती हैं, सभी को पता है, PSL, PSM। भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं, तीन प्रकार की, PSL। जिस तरीके से आपके हाथ में देने लगता नहीं है कि समझाया जाए, कितनी बातें कर रही हूँ, PSL को समझा दे। इसको लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, प्राथमिक तरंगे भी बोलते हैं, प्राथमिक तरंगे भी बोलते हैं पी को। ये तीनों माध्यम में चलती हैं और इनको कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, इस तरीके से बनाया जाता है, तीनों माध्यम में चलती है। तीनों माध्यम मतलब ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव है, गैस। तीनों माध्यम में चल जाती है, कौन सी है, पी, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड, और प्राथमिक तरंगे भी बोलते हैं। दूसरी बात करते हैं हम किसकी भाई, सेकेंडरी तरंगे बोलते हैं, क्या बोलेंगे, सेकेंडरी, या फिर हम बोल सकते हैं द्वितीय तरंगे होती हैं, द्वितीय तरंगे होती हैं। ये कहाँ पे चलती हैं, द्रव में गति करती हैं, किसमें गति करेंगी, द्रव में गति करती हैं, और कहाँ जाता है, ये ऐसे चलती हैं, कहाँ जाता है, मतलब ऐसे ही चलती, किसमें चलेंगी, द्वितीय तरंगे, द्रव में चलती हैं, और कुछ ऐसे चलती हैं जो इसके तरंगों के ऊपर साइड में जा रहा होता है तो वो ऊपर चला जाता है, जो नीचे साइड में जा रहा होता है वो नीचे चला। कुछ इस तरीके से बनाएंगे आप इसको, कौन सी थी, ऐसा, किसमें चलती हैं, ओनली द्रव में चलती हैं, वेरी गुड, द्रव, ठीक है, द्रव में चलती, द्रव में चलती हैं जी। उसके बाद अगर हम बात करें कौन सी हैं, एल तरंगे, एल तरंगों की अगर हम बात करें तो एल तरंगे कौन सी होती हैं, सरफेस वेव बोलते हैं हम इन्हें, क्या बोले हैं, बोलते हैं सरफेस वेव, और इसको बोलते हैं सतही तरंगे। सबसे ज़्यादा जो विनाशकारी होती हैं वो कौन सी होती हैं, ये सतही तरंगे होती हैं, क्योंकि ये सतह पे ही रहती हैं, ये किधरी को जाती ही नहीं है, तो सतह पे तो कौन रहता है, हम जैसे प्राणी रहते हैं, तो हम जैसे प्राणियों को अगर तकलीफ होगी तो किससे होगी, सतह वाले से होगी। अगर कोई सतह पे हमारा दुश्मन आया है तो हमें उसी से तो दिक्कत होगी, कोई अंदर क्या कर रहा है हमें क्या दिक्कत है, कोई कुछ भी करो, नीचे चले जाओ 35 किलोमीटर के नीचे जा करके कुछ भी करो, चले जाओ, हम कहते चले जाओ, सब चले जाओ 35 किलोमीटर के नीचे, जितने भी दुश्मन है वो उधर ही जाओ, उधर ही खनन करो जाके कोयला, उधर कोयले से मिला वो मिलता है, हीरा मिलता है, कोहिनूर मिलेगा कुछ, उधर से निकाल के लो, ठीक है ना। तो ये हमारा, अगर हम बात करें सतही तरंगे कैसी होती हैं हमारे लिए, सबसे अधिक कैसे होती हैं भाई, विनाशकारी होती हैं, सबसे अधिक विनाशकारी कौन सी होती हैं, सतही तरंगे होती हैं। बात समझ में, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना था, आगे जाके बहुत कुछ केमिस्ट्री की तरह भी पढ़े, तो ये तीनों तरंगों के बारे में थोड़ा थोड़ा नोट कर लेंगे, आगे चलते हैं। भविष्यवाणी की बात अगर हम करें, भविष्यवाणी की, तो भूकंप की भविष्यवाणी आज तक कोई नहीं कर पाया, ना ही कोई ऐसा यंत्र बना है जो भूकंप की भविष्यवाणी कर पाए। जो यंत्र बना है, जो इतनी सिमटें पड़ रही हैं लोगों के फेस पे, वो मैं बता दूं क्यों, हाँ वो माप सकता है कि कितनी तीव्रता का भूकंप आया था, लेकिन हाँ रिएक्टर स्केल जो कि माप सकता है कि कितना, हाँ कितना, कितनी तीव्रता का भूकंप आया था, लेकिन कोई भी ये नहीं बताता है कि भूकंप कब आने वाला है। लेकिन कुछ स्थानीय लोग जैसे कि बोलते हैं कि थोड़ा थोड़े तरीकों से पता लगा लेते हैं, जैसे कि कुत्तों के व्यवहार में कुछ परिवर्तन आ जाता है, जो कुत्ता बिल्ली होते हैं ये ज़्यादा भागना शुरू कर देते हैं इधर से उधर, मछलियों में उत्तेजना देखी जाती है, मछलियाँ जो
मतलब अंदर से बाहर सतह पर आने लगते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हो गई, आगे बढ़ते हैं। तो मैं ऐसे करते रहो, केस स्टडी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक केस स्टडी है भुज की। भुज कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। गुजरात के कच्छ में भुज का देखा जाएगा। और भुज क्या है? गुजरात का अगर हम बात करें, भुज क्या है? मुख्यालय है। गुजरात का मुख्यालय है भुज। भुज में एक टाइम पे भूकंप आया था। ये केस स्टडी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जब कोई डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ता है। डिजास्टर मैनेजमेंट क्या बोलेंगे हिंदी में? हाँ, आपदा प्रबंधन। जब किसी को आपदा प्रबंधन पढ़नी है या फिर ऐसे वगैरह में आपदा प्रबंधन के बारे में लिखना होता है, तो इसके लिए ये केस स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। केस स्टडी पढ़ोगे तो डेट नहीं चाहिए हमें कि इतने पुराने टाइम पे ये हुआ था, फैक्ट नहीं चाहिए, लेकिन हमें चाहिए कि ये जो भूकंप आया था उसके बाद में इन्होंने क्या क्या बचाव के कारण बताए हैं, किस तरीके से हम बच सकते हैं, क्या क्या कर सकते थे जो उस टाइम पे थोड़ा भूकंप की जो तीव्रता थी उसके बाद भी हम थोड़ा सा राहत महसूस करते हैं। तो वो सारी चीज़ें केस स्टडी में लिखी होती हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अब कल, ठीक है। तो गाइस आई थिंक आपको समझ में आया होगा। बोलते इतना हो तो समझ में, तो नहीं आए तो ही अच्छी बात है, क्या ही बोले। हाँ बेटा, कल कुछ काम दिया था? काम हो गया? वेद प्रकाश, यस, काम हुआ। आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। आगे हम इसका कल कंप्लीट करके और दोनों चैप्टर के क्वेश्चन और आंसर करेंगे। और एक चीज, मंडे तैयार हो जाना, टेस्ट होगा।